जन स्वराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष कोई परिवार इसका वोट बैंक नहीं है, इसका वोट बैंक है बिहार के सामान्य लोग। हर वर्ग का जो सही व्यक्ति है वो जन स्वराज में है, आज जो गलत आदमी है वो दूसरे दल में है। ईमानदारी से पैदल चलने की बात कहे हैं तो कर रहे हैं, ईमानदारी से ये कहा है कि हम दल के नेता नहीं बनेंगे, बिहार का कोई काबिल लड़का बनेगा तो आप देखिएगा बिहार का कोई काबिल लड़का ही बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे डेस्टी न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा। एक बार फिर से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जनसुराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष कोई परिवार वोट बैंक नहीं है, इसका वोट बैंक बिहार के सामान्य लोग है। वहीं उन्होंने कहा कि जो सही लोग है वह जनसुराज में है और जो गलत लोग है वह दूसरे दलों में है। सुनिए क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर। अभी तक यादव दलित और बैकवर्ड को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, आरजेडी के वोट बैंक पर डेंट करने की कोशिश। कम से कम आप लोग आरोप बदल तो दिए, जब हमने शुरू किया तो आपने कहा कि इनसे तो कोई वंचित कोई मुसलमान कोई यादव कोई पिछड़ा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर तो सब पर हमारा बापू जी का अधिकार है। अब जब वो लोग छोड़कर जाने लगे तो आपको अलविदा, खाली यही को लेकर जा रहे हो। समाज का देखिए, जन स्वराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष कोई परिवार इसका वोट बैंक नहीं है, इसका वोट बैंक है बिहार के सामान्य लोग। हर वर्ग का जो सही व्यक्ति है वो जन स्वराज में है, आज जो गलत आदमी है वो दूसरे दल में है। ममता बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया, बंगाल के प्रेजेंट कंडीशन पर क्या कहेंगे? देखिए बंगाल नहीं, मैंने ये बात पहले भी बताई, हमने ममता बनर्जी के साथ ही काम नहीं किया, हमने तो नीतीश और लालू जी को भी 15 में जिताया, लेकिन 10 बरस हमने कई नेताओं को दलों को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं, उसको देखे सीखे समझे अनुभव किया और उसके बाद जो पूरी मेरी समझ 10 बरस की है उसको लगाकर मैंने जन स्वराज की परिकल्पना जो मूलतः गांधी जी की सोच से प्रभावित है उस परिकल्पना को लेकर बिहार आए हैं। और एक ही चीज ताकत है इसकी, ईमानदारी और शुद्धता। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, ईमानदारी से पैदल चलने की बात कहे हैं तो कर रहे हैं, ईमानदारी से ये कहा है कि हम दल के नेता नहीं बनेंगे, बिहार का कोई काबिल लड़का बनेगा तो आप देखिएगा बिहार का कोई काबिल लड़का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि समाजवाद के नाम पर ढोंग किए, लोहिया जी जयप्रकाश के फोटो पर माला चढ़ाए और अपने बेटा अपने बेटी से आगे दुनिया में किसी को देखी नहीं, तो फिर कैसा समाजवाद हुआ? तो सुना आपने, प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज की कोई वोट बैंक नहीं है, जो सही लोग है वो जनसुराज में, जो गलत लोग है वो दूसरे दलों में है। वहीं उन्होंने बंगाल की घटनाओं को लेकर कहा कि मैं सिर्फ ममता बनर्जी के साथ ही नहीं बल्कि नीतीश और लालू को जिताने का भी काम किया हूँ। कहा कि मैंने 10 वर्षों में कई नेताओं और दलों को जिताया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे डेस्टी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।